कर्पूरी देवी जी, गोदावरी दत्ता जी, गोवा देवी जी, हसेगावा साहब, हिम्मत शाह जी और सिरामिक के जो दो विदेश से कलाकार आए हैं, इस संग्रहालय के निदेशक यूसुफ, मिथिला पेंटिंग और विभिन्न कलाओं के से जुड़े हुए कलाकार, कला प्रेमी दोस्तों, मैं सोच रहा था मिथिला पेंटिंग की यात्रा, मैं मिथिला का ही रहने वाला हूँ और पहले हम लोग जब गांव में देखते थे तो त्यौहार में, शादी में दीवार पे पेंटिंग होती थी और धीरे धीरे वहाँ से चल के अपना मिथिला पेंटिंग न केवल अपने देश में बल्कि विदेश में भी पहुँचा। हम लोग जापान गए थे मुख्यमंत्री के साथ तो हसेगावा जी ने एक एग्जीबिशन लगाया तो मुख्यमंत्री को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने उनका हम लोगों का मानना था कि अभी बिहार म्यूजियम में एक रीजनल आर्ट का सेक्शन है जहाँ पे बिहार की सभी लोक कला का जो जीवित लोग हैं उनसे अच्छा काम करवा के लगाया गया है कि आने वाली हमारी पीढ़ी जान सके कि हमारे राज्य में क्या लोक कला है, कैसे कलाकार थे, किन चीज़ों पर कला बनाई जाती थी। तो हम लोगों ने इस म्यूजियम में सेक्शन हैंडीक्राफ्ट का, अपने बिहार के हैंडीक्राफ्ट का बनाया है। इसी से समझो ये म्यूजियम जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हिस्ट्री म्यूजियम है, इतिहास का म्यूजियम है जिसमें हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारा इतिहास है उसको दिखाते हैं। लेकिन लोक कला के लिए राज्य सरकार के दिमाग में ये था कि अगर लोक कला को ऊँचे स्तर पर ले जाना है तो जो सबसे अच्छा म्यूजियम है उसमें उसको स्थान मिलना चाहिए और काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर हर तरह की लोक कला है, मिथिला पेंटिंग है, टिपली आर्ट है, गोदना है, टेराकोटा है, सिक्की है, जितना जितने तरह का आप आर्ट सोच सकते हैं जो अपने बिहार में होता है सब यहाँ पे किया गया। यहाँ तक कि आप एक चिल्ड्रन सेक्शन में जाइएगा, बच्चों वाले सेक्शन में, वहाँ पे जो मिथिला का तीन फेमस डांस है उसपे आधारित एक बहुत खूबसूरत आर्ट बना हुआ है। जब उसके सामने जाइएगा तो वो डांस होने लगेगा। मैं आप सबसे चाहूंगा कि आप लोग दोनों जरूर देख के जाइए, रीजनल आर्ट वाला जो सेक्शन है वो और जो अपना बच्चों के लिए बनाया गया है सेक्शन। तो ये भी अनुरोध करूंगा कि कभी जब टाइम हो तो हमारे म्यूजियम पर एक आधे घंटे की फिल्म है उसको भी सभी लोगों को दिखाया जाए, क्योंकि सौभाग्य का विषय है कि आप सब लोग एक साथ यहाँ पे।